26/11 मुंबई आतंकी हमलों में आतंकवादियों के दांत खट्टे करने वाले जाबाज कमांडो सुरेंद्र कुमार सिंह की पीड़ा यह है कि हमलों में अपनी सुनने की शक्ति और नौकरी गंवाने के बावजूद सरकार से उनकी तमाम शिकायतें हैं। उन्होंने बताया कि मैं एक्स एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह, जो कि ताज होटल के ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया था, मेरे कमांडर मेजर उन्नीकृष्णन साहब जो शहीद हो गए थे और बोलदार गजेंद्र, मैं उनको सच सच नमन करता हूँ। और जो भी साथी या हमारे पुलिस के अधिकारी हेमंत करकरे साले सर और कुछ जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन सभी को भी मैं सच सच नमन करता हूँ। मैं 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद सेना में चला गया था। उसके बाद मेरे को कारगिल युद्ध में लड़ने का मौका मिला। उस युद्ध में अच्छी कार्रवाई करने के बाद मुझे 22 ग्रेनेडियर के साथ इंडिपेंडेंट विदेश भेजा गया। वहां मैं यूएन मिशन में कांगो के अंदर शांति सेना के रूप में गया। वहां पर भी हमने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस ऑपरेशन का नाम नॉर्थ नाइट फिनाले था। वहां बहुत सारे आतंकवादियों को हमने मौत के घाट उतारा और वहां पर शांति स्थापित की। इसके बाद मुझे जेएनके में पूरा टाइम सद्भावना ऑपरेशन में काम करने का मौका मिला। ऑपरेशन पराक्रम में भी रहा मैं। उसके बाद मुझे 26/11 ऑपरेशन के लिए चुना गया। मैं उस ऑपरेशन में भाग लिया। उस ऑपरेशन के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। वो होटल काफी बड़े होटल हैं, उनके अंदर 2500 कमरे हैं, 22 मंजिल और 28 मंजिल के होटल हैं। वो वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे निर्दोष आदमी, उनको बचाने का काम हमारे को सौंपा गया। उस काम के दौरान हमारे को सबसे ज्यादा परेशानियां ये आ रही थी कि उस होटल में अंधेरा, दूसरा उसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं थी। उसमें हमने करीब 300 आदमियों की जान बचाई और हमारे एक साथी मेजर उन्नीकृष्णन साहब वहीं ताज होटल के अंदर दुश्मन की गोली लगने से शहीद हो गए थे। ऑपरेशन चलता रहा, हम उग्रवादियों से लड़ते रहे, परंतु हमारे को आम आदमी बीच में होने की वजह से हम पहल नहीं कर रहे थे। जब उग्रवादी हमारे ऊपर फायरिंग करने के बाद पता चल रहा था ये उग्रवादी है, उसके बाद हमारे को एक्शन करना पड़ रहा था। इसके कारण हमारे को ज्यादा चोटें लगी, ज्यादा जख्मी होना पड़ा। ये चलते उन्होंने मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंके तो मैं ग्रेनेडों से जख्मी हो गया और दो मिलिटेंट वहां से भागने लगे। मैं जख्मी हालत में ही ऊपर से नीचे कूद के सेकंड फ्लोर से और मैंने उनको उस सीढ़ियों से नीचे आए, उससे पहले मैंने उनका भागने का रास्ता रोक दिया और मैं लड़ता रहा और मैंने उन दो मिलिटेंटों को मौत के घाट उतार दिया। जो उनका मंसूबा था उस मंसूबे को हमने निश्चय नाबूद कर दिया। इसके चलते मैं जख्मी हालत में होने के कारण मुझे हॉस्पिटल में भेज दिया गया और मेरा इलाज शुरू हो गया। 26 जनवरी के दौरान हमारे कुछ साथियों को सम्मानित किया गया और कुछ साथियों को सम्मानित नहीं किया गया। इस ऑपरेशन में 7 कमांडोज ताज होटल के अंदर डिसेबल हुए हैं और 2 कमांडोज नरीमन हाउस में डिसेबल हुए हैं और 2 कमांडोज ओबराय होटल में डिसेबल हुए हैं, जो कि ओबराय होटल वाले 2 कमांडोज हमारे सरकार ने सम्मानित किए, मेजर एके सिंह और पहले वो कैप्टन साहब थे, आज मेजर हैं, मेजर एके सिंह साहब और टीवी मनीष को।
बाकी लोगों को किसी को भी सम्मानित नहीं करवाया गया, ये पॉइंट उठने लगा, इसको उन्होंने दबाने की कोशिश की, ये चलता रहा। अगले बार ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, हर छठे महीने सम्मानित किए जाते हैं, अगली बार आपको सम्मानित करवा दिया जाएगा। 2010 का समय आ गया तो समय सारा चैलेंज ने इस बात का खुलासा किया, 12 अगस्त को देशभक्तों का दर्द, एनएसजी के कमांडो मांग रहे हैं इंसाफ, उन्होंने पूरी बताया उस चैनल के ऊपर। अब जो पैसा डोनेशन हुआ है इलाज के लिए, उन कमांडो को वो पैसा नहीं दिया जा रहा, और जो कमांडो इसमें डिसेबल हुए हैं, फेल टू एनिमी जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन किसी भी आदमी को सम्मानित नहीं किया गया। मानो उसके बाद हमारे ऊपर एक कहर टूट पड़ा और बड़े बड़े कमांडर हमारे को धमकाने लगे, और कहीं मीडिया में नहीं जाओगे, कहीं किसी रिश्तेदार को नहीं बताओगे, अगर किसी का कहीं से नाम आता है तो उस बंदे को हेड शूट करा दिया जाएगा। इसके चलते सभी साथियों को जो डिसेबल थे उनको समय से पहले बगैर डेपुटेशन पूरा किए, किसी न किसी बहाने से वापिस बैक टू यूनिटो में भेजा गया, साथ ही उनकी रिपोर्टें खराब कर दी गई। कुछ साथी तो हमारा एक साथी सुनील कुमार जोधा है, वो भी मेरे साथ यहाँ इलाज करा रहे थे, उनको 8 गोलियां लगी हैं, एक गोली आज भी उनके सीने में है। उस बंदे को भी इलाज करते करते बीच में ही उसकी बैक टू यूनिट भेज दिया गया, और अभी मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, 22 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्योंकि मेरी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से मिला, इन्होंने मेरी आवाज को बुलंद किया, और मेरा साथ देने का पूरा वादा किया, और इन्होंने वादा निभाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते चलते ही मेरे साथियों को पहले से दबाया गया, कोई बंदा मुंह नहीं खोलेगा और कोई भी बंदा सामने नहीं आएगा, या हमारे को वो नहीं मिला। इस चीज का खुलासा मैं 2011-15 अक्टूबर को सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और आज 13 महीने बाद भी मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया, जब मैं इलाज अपने पैसे से कर रहा था, आप लोगों के लिए काफी पैसा डोनेशन किया गया है इलाज के लिए, बहुत दानदाता है जिन्होंने काफी पैसा दिया है, आप आरटीआई के माध्यम से उसकी जानकारी लें। मैंने एनएसजी को आरटीआई लगाई, उन्होंने मेरे को जवाब देने से मना कर दिया। मैंने उसके बाद अपील किया, अपील में मेरे को बताया गया, अब ठीक है हम आपको बताते हैं कितने जख्मी हैं, कितने शहीद हैं और कितने पैसे कहां बटे हैं। तो उन्होंने मेरे को गलत जवाब दिया, उसमें उन्होंने 17 बंदे डिसेबल दिखाए गए जबकि 11 बंदे डिसेबल हैं। पैसे का उन्होंने गोलमोल लिखा हुआ 35 लाख रुपए, तो मैंने इसकी अपील चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को कर दी, उन्होंने मेरे को बताया वहां बुलाकर, ठीक है इसकी फोटोकॉपी नहीं दे सकते, ये काफी सेंसिटिव यूनिट है और ये अगर बात फैलती है तो जवानों, कमांडो और आम आदमी का भी मोराल डाउन होगा। मैं एनएसजी हेडक्वार्टर में वहां देखने के लिए गया, तो उन्होंने 4 बजे तक तो मेरे को वैसे ही बैठा के रखा वहां पर, उसके बाद मेरे को थोड़ा दिखाया, उसमें मेरे को मेरे ही नाम के 2 लाख रुपए का चेक, एक जो रोहन मोटर्स कंपनी ने दे रखा था, मेरे को कभी मिला ही नहीं। उसके बाद कुछ और चेक थे, प्रिया दर्शनी की तरफ से आया हुआ था, हाईटेक गेयर की तरफ से पैसा आया हुआ था, महेंद्र धोनी की तरफ से 7 लाख रुपए का चेक आया हुआ था, तो वो एक ही फाइल में देख पाया। उसके बाद में मैंने उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं इस चीज का खुलासा कर रहा था, तो सरकार ने मेरे साथ खड़ा होने की बजाय जिन आदमियों ने भ्रष्टाचार किया है उन आदमियों का साथ देने की कोशिश की, और बीच के दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के इतिहास में बताते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उसका बीच के दौरान ही वहां से मैसेज भेज दिया गया, इस बंदे को हमने 31 लाख रुपए दे दिए हैं
और 25,254 रुपए हर महीने इसको पेंशन दी जा रही है।